धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। ऑपरेशन पाताल के शुरू होते ही प्रयागराज में अपराधियों की होने लगी धरपकड़, बरामद होने लगे अवैध असलाह का जखीरा। प्रयागराज में 16 जून 2020 रात को नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अभिषेक दीक्षित ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद तमाम थानों के SHO के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के बाद अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। क्राइम और करप्शन किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रयागराज में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में ऑपरेशन पाताल की शुरुआत की। ऑपरेशन पाताल के शुरू होते ही जनपद के तमाम थानों के थाना क्षेत्रों में अपराधियों की धरपकड़ होने लगी और अवैध असलाह के जखीरा बरामद होने लगे। अवैध ऑपरेशन पाताल अभियान के तहत अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए 48 घंटे के भीतर प्रयागराज जिले में कुल 56 अभियुक्त व उनके पास से 53 तमंचे व 86 कारतूस बरामद किया गया, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज ने कहा कि ये अभियान अभी आगे भी प्रभावी रूप से चलता रहेगा, जिस पर अपराधियों पर अंकुश लग सके। के कारण हमने 56 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हमने करीब 53 तमंचे एवं 84 कारतूस बरामद किए हैं। अन्य कई आपत्तिजनक सामग्री भी उनसे बरामद की गई है। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई लगातार अपराधियों के खिलाफ चलती रहेगी और जैसा कि हमने पहले बताया, क्राइम और करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर हम लगातार काम करते रहेंगे।